तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या कहता है कि एक सिंपल पेंडुलम है, और वो सिंपल पेंडुलम में जो है एक बॉब है जिसकी लेंथ 1 मीटर है। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं प्यारे बच्चों, तो सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ यूज हुई है यहाँ वो 1 मीटर यूज हुई है, और जो बॉब है उसका जो मास है वो 100 ग्राम का है। तो 100 ग्राम बोले तो 0.1 KG का है, ठीक है ना। एंड लोएस्ट पॉइंट इट्स पाथ पे है, तो फाइंड द टेंशन इन इस स्ट्रिंग एट दिस इंस्टेंट। तो अभी सिंपल पेंडुलम जो होता है वो वर्टिकल प्लेन में ऐसे मोशन कर रहा है, और ये जो डेटा है ये सिंपल पेंडुलम है, यहाँ ये है, इसे सपोर्ट पे क्या है, हिंज्ड है। तो यहाँ ये बंधा हुआ है सेंटर ओ मान के, ऐसे इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब लोएस्ट पॉइंट पे है तो उसकी वेलोसिटी कुछ होगी जो इधर होगी, हम लोगों को नहीं पता वो कितना है, बट वी डोंट नो अबाउट इट दिस वेलोसिटी। तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम वेलोसिटी दिया होगा यार, हाँ वेलोसिटी दिया है। तो ये जो वेलोसिटी है कितना है, 1.4 मीटर पर सेकेंड। नहीं दिया होता तो निकालते बिना वेलोसिटी के टेंशन, एग्जैक्ट इस पॉइंट की वेलोसिटी इतनी है। हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है। तो बिना वेलोसिटी पता किए हम टेंशन नहीं पता कर सकते। तो चलो सबसे पहले फोर्स की बात करोगे तो इस पे स्ट्रिंग के एलोंग इधर जाएगा बच्चों, हो जाएगा टेंशन टी, और इधर जाएगा कौन जाएगा, वेट एम जी जो कि अर्थ लगाएगी। तो इस बॉब पे बेसिकली अभी दो फोर्स लगेगा, एक एम जी लगेगी जो अर्थ लगाएगा, और एक टेंशन, यही दोनों मिल के इसको क्या देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज नेट रियल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, नेट रियल फोर्स टुवर्ड सेंटर, ठीक ना। तो नेट रियल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ तो दो ही रियल फोर्स है, एक है टेंशन टी है और एक उससे दूर है। तो टेंशन टी माइनस एम जी इस पॉइंट की वेलोसिटी वी है, तो एम बी स्क्वायर स्ट्रिंग की लेंथ एल, और यही इस पॉइंट का टेंशन होगा। हर पॉइंट का इक्वेशन अलग अलग होता है। आई होप कि आप दूसरा क्वेश्चन में देखे होगे और सीखे भी होगे। तो यह आ जाएगा एम बी स्क्वायर ओवर एल और प्लस वेट एम जी। तो यहाँ से एम अगर कॉमन ले लेते हो तो यह आ जाएगा बी स्क्वायर एल प्लस जी। तो दिस इज बेसिकली द टेंशन, बट हमें जो टेंशन है वो एक्चुअली न्यूमेरिकल फॉर्मेट में चाहिए। तो मास की वैल्यू कितनी है, 0.1 है, और स्पीड कितनी है भाई, तो स्पीड है 1.4, और ये मल्टीप्लाइड बाई 1.4, एक मिनट यार, तो 1.4 यहाँ से आ जाएगा, तो 1.4 और डिवाइडेड बाई लेंथ कितना है यार, लेंथ है 1 मीटर, और प्लस जी की वैल्यू कितनी ले लेनी है, तो चलो 10 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फाइनली पूरा जो इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 1.2 न्यूटन टेंशन इन स्ट्रिंग एट दिस पॉइंट। तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। टेंशन क्या है, ए वेरिएबल है, हर पॉइंट पे टेंशन वेरी कर रहा है, क्यों, क्योंकि स्पीड वेरिएबल है, ठीक है। तो इस लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन इतना होगा।